यो ब्रो, हाय। हमारे ब्लॉग में नया पर्सन आया है, ये तीन नए लोग आए हैं हमारे ब्लॉग में। नमस्ते भाभी जी। आज हम जा रहे हैं पुणे से जेजुरी। जेजुरी जाते वक्त बीच में आता है दिव्य घाट। दिव्य घाट पे हमें देखने मिली विट्ठल भगवान की 60 फीट लंबी एक मूर्ति। ये मूर्ति बनाने के लिए स्पेशल मटेरियल यूज़ किया गया है, सीमेंट के साथ। जयसूरी का खंडोबा टेम्पल महाराष्ट्र में सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थानों में से एक है। खंडोबा महाराष्ट्र के कई कास्ट एंड कम्युनिटीज़ के कुल देवता हैं। ये इच्छा पूरी करने के लिए जाने जाते हैं। जयसूरी फोर्ट से बल्लारेश्वर टेम्पल का नज़ारा। बताओ अपने हालात, बताओ। बिल्कुल नहीं, ऐसे हालात बिल्कुल नहीं बताएंगे हम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है नए नवेले कपल, शादीशुदा कपल। थक गए। आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और बाकी की सीढ़ियाँ भी चढ़ने वाले हैं अभी हम। तो टोटल 265 है, उसमें से हमने आधा चढ़ लिया है, आधा बाकी। इजी है, इजी ट्रैक है, बस सीढ़ियाँ हैं। तो अगर स्टेमिना है तो आराम से चली जाओगे, है ना। कुछ बाकी यहाँ पे हल्दी बहुत रहती है, तो अच्छे कपड़े भले कुर्बान करने तो पहन के आ जाओ। पीले कपड़े पहन के आना, पीले कपड़े पहन के आना, फर्क नहीं पड़ेगा फिर। चलते तो कुछ ऐसा नज़ारा है जेजुरी फोर्ट का। यहाँ हर तरफ पीला पीला होता है क्योंकि यहाँ पे हल्दी बहुत यूज़ होती है। दर्शन लेने के लिए आपको दो ऑप्शन है, एक तो फ्री वाला और एक है 200 रुपये दे के। 200 रुपये दे के हम लाइन को स्किप कर सकते हैं। हम दर्शन की लाइन में लग गए हैं और हम मुफ्त का दर्शन करेंगे। समझा के क्या लिखा है? इसका मतलब है फोटो खींचना मना है। लेकिन चित्रांश जी फिर भी बहुत सारी फोटोज और वीडियोस निकाल चुके हैं। हो गए हमारे दर्शन, और जैसे हर मंदिर में होता है कि बस देखो और निकलो जल्दी जल्दी, वैसे ही। और अंदर का मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं है, फ़ोटो अलाउ नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा है तो यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे दर्शन हो गए हैं, अभी हम वापस से जा रहे हैं घर की तरफ।